आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, बड़ा बाजार, केशवगंज, वार्ड सागर। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रालय में आग लगने के मामले थम नहीं पा रहे हैं। शनिवार की सुबह वल्लभ भवन फिर धधक उठा। आग की लपटों में कई फाइलें जलने की बात कही जा रही है। सुबह 9:30 बजे लगी आग में आधा दर्जन कर्मचारी फंसे हुए थे। किसी तरह उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, लेकिन आग नहीं बुझ सकी। भोपाल, रायसेन, विदिशा एयरपोर्ट, BHEL और सेना समेत 40 दमकलें आग बुझाने में लगी हैं। घटना मंत्रालय वल्लभ भवन के गेट नंबर 5 और 6 के बीच बड़ी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल की है। तेज हवा चलने के चलते आग चौथी और पांचवी और छठवीं मंजिल पर भी फैल गई। दमकलें आग बुझाने में लगी हैं। मैं अभी भोपाल में ही था और मुझे जानकारी यही कि वल्लभ भवन के पुराने भवन में रैंप से होकर के हमारे एक बिल्डिंग के तीसरे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी यही है उसी आधार पर मैंने सीए से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए। और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह या कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज न जले इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूँगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसके निर्देश मैंने जारी कर दिए। महीने का दूसरा शनिवार होने की वजह से बिल्डिंग में ज्यादा कर्मचारी नहीं थे। बिल्डिंग में 5 कर्मचारी फंसे थे, सभी को बाहर निकाल लिया गया है। 2 कर्मचारियों को अस्पताल ले जाया गया। प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने कहा कि आग तीसरी मंजिल पर लगी है, इसने बाकी फ्लोर को भी कवर कर लिया है। मंत्रालय का पुराना भवन होने के कारण यहाँ ज्यादा एक्टिविटी नहीं रहती है। जो कर्मचारी फंसे थे वह सुरक्षित हैं और बाहर निकाल लिए आए हैं। मौके पर मुख्य सचिव वीरा राणा भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि अनिल मांडलोई, अमित शर्मा समेत मंत्रालय के 5 कर्मचारी फंसे थे। जहां आग लगी है वहां पर सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी 4थी मंजिल पर बैठते हैं, जहां पहले मुख्य सचिव बैठा करते थे। इसी बिल्डिंग में प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव स्मिता भारद्वाज, JN कंसोटिया समेत अन्य अधिकारियों के दफ्तर हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में आग लगने की जाँच के आदेश मुख्य सचिव वीरा राणा को दे दिए हैं। उन्होंने भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने की बात भी कही है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय 38 घंटे से बंद था।
गुरुवार की शाम करीब 6 बजे मंत्रालय बंद हुआ। शुक्रवार को अवकाश था। शनिवार की सुबह अचानक से आग लगने पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आग को लेकर सरकार पर हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा भ्रष्टाचार की फाइलें जला रही है। लगातार 5वीं बार वल्लभ भवन में बड़ी आग लगी है। आदरणीय प्रदेशवासियों, 5 बार लगातार वल्लभ भवन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आग लगाई है। इसके पहले 4 बार क्यों आग लगी, दोषी कौन थे, कौन सी फाइल जली, कौन से विभाग की जली, इससे पहले 4 बार वल्लभ भवन सतपुड़ा में अलग अलग जगह अलग अलग विभागों की आग लगी, पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। आग लगी है और हमें आना पड़ा। ये इसलिए कि प्रदेशवासियों को ये पता हो कि ये आग भारतीय जनता पार्टी पर्ची वाले मुख्यमंत्री, 3C के मुख्यमंत्री, करप्शन, कर्ज और क्राइम, पर्ची वाले मुख्यमंत्री की आदत है। ये आग सरकार ने लगाई है और ये सरकारी आग है और भ्रष्टाचार के पाप को छुपाने की आग है। इससे पहले भी 4 बार हुआ है, ये आज ही नहीं हुआ है, इससे पहले भी 4 बार हुआ सरकार द्वारा लगाई हुई आग है। तीन घंटे में 2% सरकारी आग है ये। तीन घंटे से आग नहीं बुझती है, इसका मतलब क्या है? यानी स्वा करना है सर। मुख्यमंत्री, सरकार के नुमाइंदे, सरकार के अधिकारी कोई उपस्थित है? आग लग रही है, चल रही है, चल रहा है। आग लगी मंत्रालय में? अरे मैं प्रेस था, मैं निकल रहा था, बस डाल देता हूँ। यह पहला मौका नहीं है जब मंत्रालय में आग लगी है। पिछले कई सालों से यह सिलसिला चला आ रहा है। आग जलते समय ही इस पर चर्चा होती है, आग बुझते ही मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। अब देखना यह है कि इस बार आग लगने के मामले की जांच किस तरीके से हो पाती है। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, मेल एंड फीमेल जनरल वार्ड, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, SICU, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट रूम, स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। हमारा नंबर है 7898922699 9109200503।